दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम हैं गांव पहाड़ी थाना बहीन में और यहां एक मर्डर हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक पुलिसकर्मी पर, सब इंस्पेक्टर पर, सिपाही पर हत्या का आरोप है और आमने सामने दोनों घर हैं। ये देखिए पीड़ित का घर है और ये जो है एक्यूज़ का घर है। थोड़ा कैमरा उठा के कैमरामैन दिखाइए भैया, थोड़ा हटो। ये एक्यूज़ का घर है और ये जो है पीड़ित का घर है। थोड़ा अंदर से दिखाएंगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जो मृतक है, मृतक की डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। ये दिखाओ भाई कैमरामैन, मृतक है। रो रो कर सबका बुरा हाल है। नाम बताइए इनका। सुंदर सिंह। सुंदर सिंह नाम है। सुंदर सिंह की डेड बॉडी यहाँ पर है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आप लोग देख रहे हैं, दुखी हैं सब, रो रही हैं, परेशान हैं, क्योंकि कल मर्डर हुआ था। बाकी की जानकारी ये सरदारी देगी जो यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके बातचीत करेंगे। कैमरे में थोड़ा आप इधर आओ, आप बताइए, एक एक करके बताइए। सबसे पहले कौन बोलेगा आप बताएंगे? सर आइए सामने आ जाइए। अपना नाम बताइए सर, नाम बताइए आप। श्रीमान। अपना नाम? मैं भूतपूर्व सुजार मेजर भरतपाल रावत, हाँ, सेना आयुक्त कोर से रिटायर हूँ। ठीक है। और आज इतना व्यथित हूँ कि ये मेरा ही परिवार आपस में लड़ा है। मेरे दादाजी ने ये बाग लगाया था जिसको मेरे ही कुछ भाइयों ने उजाड़ दिया। मेरी आत्मा इतनी दुखित है। जहाँ तक भी ये मेरी आवाज़ जारी है, मैं केवल न्याय चाहता हूँ। अगर हम दोषी हैं तो हमारे को ही फांसी पर लटका दिया जाए। जो दोषी है, दोषी को दोष की सजा मिलनी चाहिए। अगर दोषी को दोष की सजा नहीं मिली तो ये अपराध इसी तरह से पनपते रहेंगे और ये बस्ती माता ऐसे ही वीरान होती रहेंगी। मेरा थोड़ा सा बताइए, कोई परिवार का भी है सगा, माँ बाप भाई कोई है? हाँ, ये इधर है। उससे बातचीत करा दीजिए सर, जल्दी आ जाइए। ये हैं भैया, भाई हैं? आइए निश्वास सर, नमस्ते। किसने मारा इनको? इनको बीरेंद्र ने। बीरेंद्र कौन है? बीरेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र बीरेंद्र? पुलिस वाले कौन है सब इंस्पेक्टर जी को आप बता? बीरेंद्र नरेंद्र। बीरेंद्र कार्यरत है, सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस। सब इंस्पेक्टर कौन है? बीरेंद्र। उसका बेटा भतीजा है, सारे लड़के इनके 13 बंदे हैं। बीरेंद्र ने फरसा मारा है। मैन भगत जी है, भगत सिंह है, नरेंद्र है, सारों ने मिलकर हमला किया। दो दिन मारा। क्या रंजिश थी? कुछ भी रंजिश नहीं थी। जबरदस्ती रास्ते में मकान बना रखा, देख लो स्लैब को, देख लो कितना आगे बढ़ा रखी है। अच्छा। गांव का रास्ता रखा है। पूरे गांव में कोई कार्रवाई नहीं है, पूरे गांव को धमका रखा है इन्होंने। अच्छा। कोई बोल इनके खिलाफ कोई बोल के राजी नहीं है। अच्छा। पूरे गांव में प्रशासन की रिवॉल्वर को लेकर गोली चलाता है, पूरा करप्ट है, पूरा गांव में कहीं से सुन लो। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए स्लैब उठा रखा तो पीछे लड़ाई झगड़ा आपका रहा होगा? इसके चक्कर में कोई नहीं है। अच्छा। दिन रात को डीजे बजाते हैं, हार्ट के पेशेंट को प्रॉब्लम थी। आइए आगे चलते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अच्छा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। बाहर के लोगों को बुला के डीजे बजवा रहा, हार्ट की प्रॉब्लम थी हमारी ताई जी को, वो एडमिट थी, उनको घर पे लेके आया, डीजे बजा दिया। उसके बाद बंदों ने कहा कि भाई इसको डीजे को बंद कर दो, हमारी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है। नहीं माना, डीजे बजाता रहा, बंदे बाहर से बुला के फिर पिटाई कराइए। अच्छा, पिटाई कराइए 29 तारीख को। उसके बाद दोबारा प्री प्लानिंग करके फिर 3 तारीख को फिर हमला बुलाए। अभी वाला हमला कब हुआ? अभी वाला हुआ है ये 3 तारीख को। 3 तारीख को हुआ है। उसके बाद एडमिट था? उसके बाद एडमिट था। अच्छा, तो जान कब गई इसकी? जान गई है जी, कल गई। अभी पुलिस थाने के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था लगातार, बहुत सारी पुलिस वहाँ 70 घंटे से बैठे हुए हैं। अच्छा। कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं थी, नहीं है। FIR वगैरह हो गई भैया? FIR वगैरह हो गई है। हाँ, अच्छा, किसी को पकड़ा भी है? अभी हमें तो पता नहीं जी किसी को पकड़ा है। अच्छा, हमें तो नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं, किसी ने दिखाया। चलो आप लोग जाइए, हम घर पर जाएंगे, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। हाँ बताइए। श्रीमान, मैंने IPS बाली साहब से इतनी करबद्ध प्रार्थना की, मेरी आत्मा रो दी, क्योंकि हम बॉर्डर पर लड़ने वाले आदमी, इसमें दो भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका ये भाई है। अच्छा। ये सगा भाई है जो भूतपूर्व सैनिक है। श्रीमान, खाकी वर्दी और हरी वर्दी का मैं डिफरेंस, मैंने IPS बाली साहब को इतना करबद्ध प्रार्थना की, मेरी आत्मा रो दी। एक साहब, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, हमें न्याय चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम अभी यहीं पर, हमारा भाई तो मरा ही है, सारा मुकदमा हमारे ऊपर लाद दो, सारा मुकदमा हमारे ऊपर लाद दो और हम यहीं पर
यहीं पर मरना चाहते हैं। चलो कार्रवाई होगी, बाली साहब ने कहा है पूरी। बाली साहब ने कुछ नहीं कहा, बाली साहब ने एक ऐसा आश्वासन दिया जिसका मेरी आत्मा रोधी खाकी वर्दी से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग जाइए, हम फिर से घर पर जाएंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए काफी दुखी है, पूरा परिवार इकट्ठा है, पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है और नम आंखों से सुंदर सिंह को विदाई दी जा रही है, दुखी होकर, दुखी मन से। और आइए घर पर चलते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको पता है लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ होगा, मारपीट कैसे हुई होगी। आप लोग जुड़े रहें, हम काफ़ी दूर आए हैं क्योंकि हमें कॉल किया गया था, भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है, और आप आइए, आप रिपोर्ट दिखाइए ताकि सुनवाई हो। कोई परिवार का है आप लोगों में से? अच्छा, तो रो रो कर बुरा हाल है महिलाओं का, महिलाएं बताएंगी क्या रंजिश थी, क्या लड़ाई झगड़ा था और किस वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई गांव फाड़ी थाना बहीन में जिला पलवल में। अब इन लोगों से बातचीत करेंगे जो रो रो कर परेशान हैं। थोड़ा किसी से बातचीत हो सकती है जो मेन हो घर का, जो लड़ाई झगड़े में रहा हो? हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। देखिए रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ये लोग जब तक अपनी बातों को सामने नहीं रखेंगी तो प्रशासन उसी के बाद कार्रवाई करेगा। तो देखते हैं कौन बातचीत करता है, आमने सामने दोनों पार्टियों का घर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधा रास्ता वहाँ से था, 5 फुट रास्ता बढ़ा दिया पूरी। ऐसे को नहीं निकलने देते, आदमी को नहीं निकलने देते। तो रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पूछते हैं, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। हाँ, थोड़ा इनको पानी पिला दीजिए। जब देखा है तो भाई कहा कि हम खून करेंगे, हम कोर्ट तक भी गए भैया, हमारी काय नहीं सुनवाई ना करी, काय नहीं। चला तभी तो हम इतनी दूर आए हैं मैडम। भैया भाई इतना में हमारा पाप मरा निकलो भैया, काय ने भी कचना करी। एक महीना हो गया, भर्ती थे ना वो? हाँ भैया भर्ती थे। कहाँ मारा था फरसा वगैरह, कहाँ मारा था? सिर में सब कर दिया। किसने मारा था? कुछ लड़ाई झगड़ा कैसे भैया? कुछ भी बात परेशान है आप? यहाँ मारी सब रात तो एरिया में रह गए, मारा मन किया गया बेटा हर धर्म को। वो राहु कहा नाम भगत जी वाने और शमशेर के न गोविंद के वीरेंद्र थानेदार ने, वीरेंद्र थानेदार ने मारे वीरेंद्र खुलसिया और वो भगत जी और नरेंद्र वो सारे ओम वीर उस उन्होंने मारा पटक के नाली में अकेला गया वो और भीतर सब रहने सरिया झगड़ा जो इन्होंने सामने का उठा रखा इसी वजह से होता। हाँ इसी वजह से रास्ता पे रास्ता के ऊपर घुसते है जो इतना गलत करता हमारे साथ, हमको छेड़ता है, हमको रास्ता भी नहीं चलने देता, धमकी देता है। वो धमकी उसने साबित कर दी, मेरे बाबा को मार दिया। अब भी मुझे ये बोलता है तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कहाँ का है ये, कहाँ ड्यूटी कर रहा है? का है, नू में ड्यूटी है सर की। और उसका भतीजा जो नरेंद्र और उर्फ भगत जी भाई उन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया, उसने खुला ऐलान दिया। अब भी हमसे बोलता है तू क्या कर लेगी, तेरे घर को बर्बाद कर दूंगा। हम जब भी कुछ भी नहीं बोलते। आपको छेड़ता भी था? छेड़ता है, दिन भर गली गाले गाली दे, हमारे बहन बेटी ने गाली दे, रात के दारू पी के नंगा ने बुलावे, आज के हमारे घर में बुलावे, हमारे बड़े बूढ़े ने गोबर ने उठा दारू पी के भाई हमारे उधर जो गेट में उधर चढ़ता था। एक दिन मैंने बोली चाचा ऐसा क्यों करते हो, जब आपसे कुछ भी नहीं बोलते पर ऐसा ही करूंगा। क्यों मेरे और नहीं है कोई, पर नहीं मुझे तुम्हें देखने हैं क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दी थी। चुनाव में खड़ा हुआ था क्या? चुनाव में भैया खड़े हुए हो। और उस डीजे की बात से कुछ भी बात नहीं थी, डीजे बजा रहे थे, हमारी माँ बीमार थी, हमने बोला भाई इसको बंद कर ले, हमारे घर में घुस घुस के मारा। आपको भी चोट आई? चोट आई हमारे
के सिर में चोट आ रही है। ये लड़ाई किस दिन हुई थी, कौन सी तारीख? 29 तारीख को हुई है पहले, 29 मार्च को। हाँ, फिर एक तारीख का, फिर एक तारीख को कराया। देखिए आप लोग, 29 को लड़ाई हुई लेकिन पुलिस ने कार्रवाई उस तरह से नहीं की। फिर एक को लड़ाई हुई ना, एक के हमने मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस नहीं उठी। तीन दो तारीख के हमने चैलेंज दियो, तीन तारीख के फिर हमारा बाबा घेर रहे हो। हम बाबा बताएंगे, हम सब यहाँ तो फैसला कर लो, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इनको फरसा कौन सी तारीख को मारा था? एक तारीख को। तीन तारीख, तीन को मारा, तीन को फरसा मार दिया। और उसके बाद वो एडमिट थे कौन से अस्पताल में? पहले थाना गुरु नानक में, फिर दिल्ली रेफर कर दिए। वहाँ से कल दिल्ली से मैं उसने छुट्टी करा दी थी एक बार दो। तो पहले यहाँ पे एडमिट किया गुरु नानक हॉस्पिटल, छुट्टी करवा दी तीन दिन में ही। फिर पलवल रखे प्राइवेट में, फिर दिल्ली के रेफर करे, फिर दिल्ली एडमिट कर। उठकर नहीं देखा कि हमारे घर में कर रहे हो, तेरे बंदे चाहिए हमें न्याय चाहिए। तो इनकी मांग है न्याय चाहिए। फरसे से हत्या की गई है, जो दूसरी तरफ की पार्टी है। दो लोग पुलिस में है, एक सब इंस्पेक्टर है और एक सिपाही कह रहे हैं। दो पुलिस में है, बाकी परिवार वाले हैं। बाकी कुछ लोगों को बुलाया, लड़ाई झगड़ा हुआ। जो जानलेवा हमला हुआ सुंदर सिंह पर, वो 3 अप्रैल को हुआ है। और उसके बाद उनको एडमिट किया गया था, लेकिन कल उनकी जान गई है। उसके बाद ये लोग पुलिस थाने के बाहर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट किया है। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है इनका कहना, लेकिन हमने अभी बातचीत की थी, बोले दो को पकड़ लिया है। अभी जो भी आगे की अपडेट होगी आपको बताएंगे, जो भी अपडेट होगी बताएंगे। इनकी यही मांग है, आरोपियों को पकड़ा जाए, इनकी जान को आगे भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बार बार हमला हुआ है। और ये तीसरा हमला है, और तीसरे हमले में जान भी चली गई इनके परिवार के सदस्य सुंदर सिंह की। सुंदर सिंह क्या करते थे, क्या करते सुंदर सिंह आपके क्या करते थे? घर पे रहते थे। जमींदार हैं, बिल्कुल जमींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इनके 2-3 घर यहाँ पर हैं। और हमारे घर चला दी, हमारे घर से। तो आप सब न्याय चाहते हो, सब न्याय चाहते हो, सारे लोग न्याय चाहते हैं। देखिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और सब न्याय चाहते हैं। घर देखो, घर सारा टूटा फूटा हुआ पड़ा है, सारा खोल रखा है। अच्छा, घर में घुसे थे क्या? घर में भी घुसे थे? आइए आइए आइए। एक रिक्वेस्ट भाई मेरी, उस दिन हमारे हथीन लेके गए थे, उस पुलिस वाले की हमसे क्या दुश्मनी थी? मेरे को ऐसे पकड़ के उसने कैच दिया हथीन में, और फिर बोला पुलिस वाला, मेरे को नाम नहीं पता, मैं आपको नाम भी बताऊंगी उसका। पता करना, बताना नाम, आइए देख लेते हैं। तो भाई तूने ऐसा क्यों करा? आप लोग मुकदमा दर्ज कराओगे तो हम ऐसा ही करेंगे आपके साथ। उसके घर वो चाय पी के गया था, हमारे कार्रवाई जरूर होगी। ऐसी जो यहाँ के एसपी साहब है लोकेंद्र सिंह जी, एक बार जरूर मिलना। लोकेंद्र सिंह के पास हम गए, उसने हमारी सुनवाई नहीं की, हमने कोई सुनवाई नहीं की हमारी कोर्ट में, लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। घर में घुसकर हमला किया गया, इन लोगों का कहना है। ये लाइव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, आमने सामने दोनों पार्टियों का घर है। इधर भी हमला हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ईंटें फेंकी। अच्छा, इनका यही, ये भी मकान है इन्हीं का? अच्छा, ये भी मकान है इन्हीं का, पुलिस वालों का? चलो ठीक है। तो तीनों तरफ इनका घर है भैया। जो आरोपी पार्टी है, जो पुलिस कर्मी है, सब इंस्पेक्टर है और एक सिपाही है। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो हाँ ठीक है, पत्थरबाजी हुई, कोठी पर से ईंटें मारी गई, इनका कहना है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बताया, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आपका कौन सा घर है? हमारा बहन के लवारे भी मर गए। अच्छा अच्छा, आप भी दिखाई दो, कितना दूर है अम्मा? अच्छा, तो इनके घर पर भी ईंटें पहुंच गई, इस तरह से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी। तो बहुत सारे जो लास्ट में अभी जुड़े हैं उनको बता दें, ये गांव पहाड़ी है, थाना बहीन, जिला पलवल। और वारदात हुई थी 3 अप्रैल को, जब फरसा मारा गया था सुंदर सिंह को। अच्छा, अभी भी ईंटे हैं। अच्छा हाँ, आओ अम्मा, ये ईंटे वीटे पड़ी हैं, कह रही हैं अम्मा ये सब ईंटे मारी गई थी। अम्मा कहना, अम्मा क्या नाम आपका? केला है। केला। अच्छा, आई आई आई, कुछ और दिखा रही हैं। मार कहाँ हुई, मारपीट कहाँ पे, उनको फरसा मारा गया था कौन सी जगह, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए
अभी तक शायद किसी मीडिया ने नहीं दिखाई आप लोगों की खबर, तो ये पहली रिपोर्ट है, ये पहली रिपोर्ट है, इसलिए हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं ताकि इनके साथ न्याय हो। देखो ये हालत, देखो सारे गेट में। अच्छा ये गेट वगैरह, ये किसका घर है? ये हमारे घर है। अच्छा परिवार है हमारा। आपका परिवार है। हुआ था। अच्छा लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ था। अच्छा गेट वगैरह तोड़ दिया गया है। अच्छा हाँ, यहाँ से उठाया था। ये साले वो घर वाले देखो भाई। अच्छा ये भी उन्हीं का घर है। इस घर में तटेक होया, इस घर में तटेक होया, इस कोठी में तटेक होया। हमारे लुभकने की जगह नहीं है। हमारे कितने ईंट पत्थर पड़े, हमारी तरफ से एक ईंट पत्थर नहीं गया। और हमने बड़े बूटे ने उठा के ले गए, हमें पुलिस छोड़ गई हसीन तक, हम जाने में नहीं। ये गेट तो इधर भी रहा होगा, साइड वाला नहीं था। हमारी तरफ से एक ईंट भी नहीं गई। और ये सब ईटे मारी गई थी। एक भैंस को जो बच्चा वो खत्म है, जो उन्हें। आप लोग देख रहे हैं काफी बड़ी वारदात हुई थी 3 अप्रैल को, जिसमें एक जान भी चली गई इनका कहना है। लेकिन 3 अप्रैल को वारदात हुई, उसके बावजूद भी इनका कहना है आरोपी पकड़े नहीं गए। रहने का घर तोड़ दिया, गरीब आदमी वो ना। गांव पहाड़ी थाना बहीन जिला पलिवल की वारदात है ये। गेट वगैरह देखो सारे, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब रहने के लिए देखो। अच्छा अच्छा, अभी भी तोड़ फोड़ जो हुई है, आपने सफाई नहीं की, पुलिस आएगी देखेगी। पुलिस आई थी, आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए फिर भी हमने हटा दिया। अंदर तक गेट तक पड़ी थी। ये आपका घर है? हाँ ये हमारा घर हो चुके, पुलिस आज तक नहीं। मेरा घर है, कुछ भी नहीं। दोनों हाथ भी तोड़ रहा है, दोनों हाथ तोड़ के आए पर सिर में। कितने लोगों को टोटल चोट आई थी? 7 आदमी। अभी बताओ गरीब आदमी कैसे वो करते हैं। हमारी नहीं है, हर इंसान के चोट है हमारे। हमारे सब घायल है, राज बाबा की यू हालत है, इनकी वजह से खा के कुत्ते सारे आम। देवेंद्र, नरेंद्र और हरिंद सब रे खा गए कुत्ते। जो वीरेंद्र ऐसे जो ना ये इतना है बाने भाई, हमारे को गेट से बाहर निकलने में भी डर लगता है इसके सामने। को इकट्ठे करके शाम को दारू पिलाता है, जब डीजे बजा के नंगा नचाता है। फिर बहू बेटी ने चरवावे हमारी ने, पता हम कैसे जी में। हमें न्याय चाहिए, हमें अपने बच्चों के बहू बेटी की सुरक्षा चाहिए। एक हाथ जोड़ के निवेदन है बस हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, सिर्फ हमें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए जी। हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए, डरे हुए हैं। कह रहे दूसरी पार्टी पुलिस वाला है, कहीं SHO है, वो दबंगई दिखा रहा है, परेशान कर रहा है। हमला भी हो गया, जान भी चली गई। अगर अब भी कार्रवाई ना हुई तो शायद इनका न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। जो बड़े बड़े ऑफिसर है उन पर से भरोसा उठ जाएगा, और भरोसा उठ जाएगा तो बहुत गलत बात होगी, अच्छी बात नहीं होगी। बाकी बहन थाने हमारे 5 बच्चे, 5 बच्चों का 5 ही बार स्कूल चेंज करा दी हमने एक महीने में। कहीं पीछा करते, कहीं पीछा करते, क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं हमारे? ऐसे दिन थोड़ी मारेगा। चलो ठीक है, देखिए भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। कार्रवाई जरूर होगी, अगर पाप किया है तो सजा जरूर मिलेगी, और जब सजा मिलेगी आपको अपडेट जरूर देंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।